मैंने सीआई से कहा है, उनसे निवेदन किया है कि सीआई मध्य प्रदेश को अडॉप्ट करे और सीआई में विभिन्न कार्यक्रम करके जो एक विश्वास की आवश्यकता है, निवेश विश्वास से आता है, निवेश डिमांड करने से नहीं आता। तो मध्य प्रदेश में निवेश आए, आर्थिक गतिविधि बने और हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे। देखिए एमएसएमई तो बहुत है, एमएसएमई के लिए पूरा रोल है कि लगभग मध्य प्रदेश की शक्ति जो है वो एमएसएमई है, बड़े उद्योग हमारे कम है, एमएसएमई ज्यादा है। आपने कहा एमओयू साइन नहीं होगा, आपने कहा किस तरह से कौन से, मैंने कहा ये एमओयू का फंक्शन मैं बताऊंगा कि कितना जो इन्वेस्ट जो मैंने जिनको जिनसे निवेदन किया था जो मध्य प्रदेश में आए हैं, मैं उसको उस समय उजागर करूंगा और उनको कहूंगा बताएं और आप क्यों आए मध्य प्रदेश में। एक बड़ा आर्थिक संकट इस समय देश में चल रहा है, ऐसे में कैसे आप उससे निपटने में कामयाब होगा मध्य प्रदेश? देखिए मध्य प्रदेश इतने कम प्रभावित है क्योंकि हमारा कृषि प्रदेश है, अगर हमारा कृषि क्षेत्र मजबूत रहा तो हमारा मध्य प्रदेश मजबूत। सर वही बात एग्रीकल्चर की बात थी, लेकिन ये जो पानी जो भी आ रहा है वो क्या दूसरी बात है? बहुत बहुत बड़ी ये तो ऐतिहासिक वर्षा हुई है, मुझे कहा गया कि 70 साल इतनी वर्षा नहीं हुई, इसे हमें जो उनकी सपोर्ट करनी पड़ेगी हम करेंगे, हम जो मुआवजा देना है हम देंगे। सर मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक विवाद चल रहा है खत्म हो जाएगा? ये कोई राजनीतिक विवाद नहीं है। अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई अपेक्षा करेंगे आप, इस जो विपदा आ रही है उसमें आपको मदद? देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी हालत खराब है तो एक सीमित रूप से ही हम उनसे मदद मांग सकते हैं, उनकी हालत तो देश भर में आज उजागर हो रही है, आईडी हटा वो आर्थिक स्थिति केंद्र की आज बड़ी नाजुक है, बड़े प्रोजेक्ट्स रोक दिए गए मध्य प्रदेश के सेंट्रल गवर्नमेंट इस साइड आ गए।